वन विभाग को काफी समय से सोलन में खाल तस्करों की तलाशी थी, जिसके लिए सोलन में वन विभाग की 5 टीमों के 30 अधिकारी इस मिशन में जुटे थे। उन्हें आज गुप्त सूचना मिली कि सोलन के निजी होटल में तेंदुए की खाल की डील हो रही है। बस फिर क्या था, वन विभाग के अधिकारियों ने जाल बिछाया और होटल पर रेड कर दी। तस्करों को जैसे ही रेड की खबर मिली वह होटल से भाग निकले, लेकिन वन विभाग की जावास टीम ने उन्हें कुछ ही दूरी पर जाकर धर दबोचा। इस मौके पर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पवन कुमार ने बताया कि वह काफी समय से गुप्त मिशन पर थे और आज उन्हें जैसे ही खाल की डील का पता चला वह मौके पर पहुंचे, जहां से तस्कर ने भागने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। अब वह ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पकड़े गए तस्करों के तार किस गिरोह से जुड़े हैं और वह किस किस जानवरों की खालों में डील किन किन जानवरों की खालों की डील करते हैं और उन्होंने खाल किस से खरीदी और आगे किसको बेची जानी थी। उन्होंने कहा कि उनका यह मिशन आगे भी जारी रहेगा और जिला में किसी भी तरह का शिकार और खाल की तस्करी नहीं होने दी जाएगी। तस्करी में पकड़े गए तस्कर हरियाणा के हैं और हरियाणा नंबर की गाड़ी थी जिस पर बजरंग लिखा हुआ था। भागने वाला था वो, आई थिंक ही इज अ प्रोफेशनल काइंड ऑफ पर्सन, 20 फुट से छलांग मारी, लेकिन वन विभाग के जो हमारा टीम था, स्टाफ था, वो इसके बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना 20 फुट से छलांग मारी और उस व्यक्ति को धर दबोचा। और पूरे के पूरे जो लोग थे इसमें इन्वॉल्व, हमने वो सारे के सारे पकड़ लिए हैं, खाल समेत पकड़ लिए हैं। काफी कुछ है, अभी इस स्टेज पे हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, इट मे इफेक्ट आवर इन्वेस्टिगेशन। इसी के आधार पर हम इसमें काफी अंदर तक जाएंगे और जो ये पूरा इनका कहां से चलता है, कौन इनके बायर्स हैं, कहां से ये आता है, किस तरह से ये इसको मैनेज कर रहे हैं, उस सब को हम देख के जो है उचित कार्रवाई करेंगे। कि इसी प्रकार से हमने और भी टीम्स बना रखी हैं और ये जो हमारा पूरा जो सोलन क्षेत्र है इसमें जो है हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और जो अवैध शिकार भी जानवरों का हो रहा है अब जो है हमारी नजर उसके ऊपर भी है। और हमारे यहां पे अगर कोई गैर कानूनी काम करने की कोशिश करेगा तो उनका यही हश्र होगा।